हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम 5 थ्योरी को स्टडी करेंगे, जिसमें से पहली थ्योरी है बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर मतलब ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ठीक है। ये जो हमारे यूनिट नंबर 2 है उसका टाइटल है डीसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। डीसी वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना इसका मतलब है, ठीक है। डीसी इनपुट डीसी आउटपुट, इनपुट वोल्टेज भी डीसी होगा, आउटपुट वोल्टेज भी डीसी होगा, ठीक है सर्किट का। तो इसलिए इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी सर्किट होती है जहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। डीसी वोल्टेज तो हम क्या, हमारे पास सोर्स कम होता है। सपोज हमें 100 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 60 वोल्ट का क्या है कि सोर्स है, ठीक है डीसी, और हमें 100 वोल्ट चाहिए। तो हम बूस्ट कन्वर्टर को यूज करके, यानी स्टेप अप चोपर को यूज करके, कन्वर्टर यानी चोपर, ठीक है। इसमें जो भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उसको हम चोपर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बूस्ट कन्वर्टर है जो बूस्ट करता है वोल्टेज को, इनपुट में जो भी वोल्टेज होता है उससे ज्यादा वोल्टेज आउटपुट में देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेप अप या बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। स्टेप अप करके देता है या बूस्ट करके देता है। किसी सर्किट में किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है डीसी, और हमारे पास कम वोल्टेज है सोर्स में, तो हम एक बूस्ट कन्वर्टर को लगा के बीच में हम ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करके हम अपने एप्लीकेशन को चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बूस्ट कन्वर्टर की हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज भी डीसी है, लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी डीसी है, ठीक है। अब लोड के पहले हमने एक कैपेसिटर को अक्रॉस में लोड कनेक्ट किया है। अब देखिए इस कैपेसिटर का रोल है एज अ बैटरी काम करना, ठीक है। कैपेसिटर विल एक्ट एज अ बैटरी, और ये जो है कैपेसिटर वो पूरा वोल्टेज को स्टोर कर लेगा चार्ज को, ठीक है, और इसको देगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जो वोल्टेज, ये प्योर वोल्टेज फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज है, प्योर वोल्टेज फॉर्म में हम डीसी वोल्टेज लोड को देंगे। प्योर करने का काम ये कैपेसिटर करता है, ये बैटरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सर्किट है, सोर्स इज अ डीसी वोल्टेज वीएस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है। लोड के आगे कैपेसिटर खड़ा कर देंगे। अब देखिए जो हमारा मेन सर्किट का पार्ट है, ठीक है, वो ये है। ये जो स्टेप अप चोपर की जो सर्किट है वो ये है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द स्टेपर, स्टेप अप चोपर या फिर बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पे देखिए सर्किट को कैसे याद रखा जाता है उसके कंपोनेंट से। देखिए इनपुट और आउटपुट तो आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इनपुट है, आउटपुट है। आउटपुट के पहले कैपेसिटर लगा देना है बाय डिफॉल्ट, ये फिक्स है। अब ये सर्किट है बीच में, ये बूस्ट कन्वर्टर। अब इसको याद कैसे करेंगे, एल एस डी, यानी एल किसका सिंबल है, इंडक्टर का। डी किसका है, डायोड का। एस किसका है, स्विच का। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर स्विच यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेमी कंडक्टर स्विच यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे एस सी आर को यूज किया जाता है अगर हमारा कन्वर्टर हाई वोल्टेज पे काम करता है तो, और अगर हमारा जो कन्वर्टर है वो लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज पे काम करता है तो हम यहाँ पे स्विच के फॉर्म में, सेमीकंडक्टर स्विच के फॉर्म में यहाँ पे मोसफेट को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मोसफेट लगाया हुआ है, राइट, और ये अपना सर्किट है एल एस डी। सबसे पहले एल सीरीज में, स्विच पैरेलल में अक्रॉस द लोड, और डायोड इज फॉरवर्ड बायस, मतलब डायोड को फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है, मतलब करंट डायोड में से फ्लो हो तो सीधा लोड को मिले, इस प्रकार से। तो ये उसकी सर्किट है। अब देखिए दो चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए महत्व की चीज जो है वो स्विच है। स्विच को ऑन और ऑफ करवा के हम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं वोल्टेज को। तो स्विच को ऑन ऑफ करवाने की प्रक्रिया को हम स्विचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्विचिंग। कितनी बार ऑन ऑफ हो रहा है उससे हम पता लगाएंगे। सपोज 100 टाइम ऑन ऑफ होती है ये स्विच, तो इसका मतलब इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक है। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमें डिसाइड करनी होगी कि हमें कितनी बार इसको एक साइकिल में ऑन ऑफ करवाना है, ठीक है। 100 बार हो रहा है तो 100 हर्ट्ज, 1000 टाइम्स है तो 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, दिमाग में रखना। डीसी सप्लाई में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, राइट। अब मैं बात करूंगा कि इसको दो टेक्निक से, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रेटजी से, यहाँ पे गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट सिग्नल पे हम कंट्रोल देके इसको कंट्रोल करवा
पाएंगे, ऑन ऑफ करवा पाएंगे। मतलब यहाँ पे गेट सिग्नल कितनी बार देते हैं, कितने पल्सिस देते हैं गेट में, उस प्रकार से इसको ऑन ऑफ करेंगे। 100 पल्सिस देते हैं तो 100 टाइम होगी, 1000 पल्सिस दे रहे हैं तो 1000 टाइम्स ये ऑन ऑफ होगी। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ पल्सिस कितने आते हैं। अब दो कंट्रोल टेक्निक है पल्स को डिजाइन करने के लिए। देखिए, एक है टाइम बेस्ड, एक्चुअली हम पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करेंगे, यहाँ पे PWM टेक्निक जिसको बोलते हैं। पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट यानी चेंज करके हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पल्स का विड्थ चेंज करके, ठीक है। नंबर ऑफ पल्स आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, दो टेक्निक है PWM में भी। अब क्या है कि हम या तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड मॉड्यूलेशन करेंगे या तो टाइम बेस्ड करेंगे। कौन सा? या तो हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड करेंगे या टाइम बेस्ड। यहाँ पे देखिए, या तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड या तो टाइम बेस्ड, राइट, दो चीजें है। तो ज्यादातर हमारा टाइम बेस्ड यूज होता है फ्रीक्वेंसी बेस की जगह पे, ठीक है, क्योंकि टाइम बेस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेस में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करवाते हैं, यहाँ पे टाइम को मॉड्यूलेट करवाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका ऑपरेशन हम पता करते हैं। सपोज टी ऑन, एक पल्स में क्या होता है, टी ऑन और टी ऑफ पीरियड होता है, इसको हम पल्स बोलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको हम पल्स बोलेंगे, जिसके पास ऑन पीरियड भी रहता है और ऑफ पीरियड भी रहता है, और टोटल टाइम पीरियड टी होता है एक पल्स का, यानी ऑन पीरियड प्लस ऑफ पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टी। अब ये 50% है, कितना है 50%। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑन पीरियड आपका कितना है। देखिए टी चेंज नहीं किया है, टी सेम है, ठीक है, टी सेम है दोनों पल्स का, ऑन प्लस ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये 50% का ड्यूटी साइकिल है, क्योंकि 50% आपके समय ऑन पीरियड रहेगा यानी स्विच ऑन रहेगी, और 50% पीरियड के लिए ऑफ रहेगा यानी सर्किट ओपन रहेगी, ठीक है, स्विच ओपन रहेगी। तो जितना देर ज्यादा होता है इतना चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टोर होता है VL पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑन ऑफ पीरियड, ऑन पीरियड 25% है, यहाँ पे 75%, 75% आपका ऑफ पीरियड है, लेकिन टी बदला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, पल्स की विड्थ को चेंज करके आउटपुट को चेंज करना, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, पल्स की विड्थ को चेंज करके, ठीक है। और इस ये टाइम मॉड्यूलेशन है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो हम पता करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ज्यादातर ये पल्स का विड्थ है टोटल टी पीरियड, उसको चेंज किया जाता है, और टी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, टी डिक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो हम पल्स की विड्थ को, टोटल विड्थ को, टाइम पीरियड को, सॉरी टोटल टाइम पीरियड को पल्स के चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये टेक्निक यूज नहीं होती है, ज्यादातर होती है टाइम बेस्ड टेक्निक, जिसमें हम ऑन और ऑफ पीरियड को चेंज करके फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी पल्स विड्थ इस प्रकार सेम रहेगी, सिर्फ ये विड्थ को चेंज करके यानी टाइम पीरियड को चेंज करके हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कंट्रोल टेक्निक कैसे डिजाइन करते हैं, उसका एक स्पेशल लेक्चर है मेरा चोपर के अंदर, जो मैं आपको शेयर करूंगा वो आप प्लीज देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा चोपर, पूरा कन्वर्टर कैसे ऑपरेट होता है, उसका कंट्रोल कैसे डिजाइन करते हैं वो उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो आपका समझाने का था कंट्रोल का, वो ये बेसिक था ये। अभी देखिए हम ऑपरेशन की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा मूल सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर, स्विच और डायोड। अब देखिए क्या होता है, हम स्विच का ऑन पीरियड एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में, तो ऑन है तो ये क्लोज स्विच होगा, ठीक है। ये क्लोज स्विच होगा तो ये दो टर्मिनल जो है एक क्लोज सर्किट की तरह काम करेंगे। अगर यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, आपका लोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज, क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज, राइट। लेकिन उस पीरियड तक क्या होगा, आपका इंडक्टर चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होगा। चलो मैं एक सर्किट में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देख लीजिए स्विच ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो
टोटल करंट यहां पास हो जाएगा क्योंकि स्विच क्लोज हो गई, ऑन है मतलब। तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा क्योंकि करंट नीचे फ्लो हो रहा है, इस तरफ नहीं, इसलिए डायोड ऑपरेट नहीं होगा, डायोड ऑफ हो जाएगा और ये पूरा आउटपुट वोल्टेज जीरो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सोर्स इज नॉट कनेक्टेड विद दिस लोड। सो लोड वोल्टेज वी जीरो इज जीरो, आई जीरो इज जीरो, ठीक है, लोड करंट, कैपेसिटर चार्जिंग करंट इज जीरो, वीसी इज जीरो, ये चारों चीजें जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑन पीरियड में देखिए, करंट आपका यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, और इंडक्टर यहाँ पे चार्ज होगा, और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप देखिए, ठीक है, यहां से आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इंडक्टर विल चार्ज, राइट, पता चल गया आपको क्या होगा, इंडक्टर विल चार्ज, ओके, किस ड्यूरेशन में, जब ये स्विच ऑन होती है तब, राइट, ये आपको पता चल गया। अब देखिए, इंडक्टर चार्ज होगा तो उसका अक्रॉस में वोल्टेज भी मिलेगा, ठीक है, वो इंडक्टर चार्ज कब होता है, ड्यूरिंग योर ड्यूटी साइकिल पीरियड, डी, इसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, कितने पीरियड के लिए ये स्विच ऑन हुआ है उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ड्यूटी साइकिल, राइट, टी ऑन डिवाइड बाय टी, टोटल टाइम पीरियड में टी ऑन कितना है, सपोज 50% है, तो 50% ड्यूटी साइकिल हुई, तो ऑन पीरियड इज ड्यूटी साइकिल डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे, इसमें क्या हुआ, इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे भाई, ओके, राइट, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो तो क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वी इनपुट इज इक्वल टू वीएल, यानी वी इनपुट का जो वोल्टेज है सारा वोल्टेज वीएल को मिल जाएगा। अब V in is equal to VL, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ VL is equal to LDI upon DT, ठीक है, उसके इक्वल में V in मिल जाएगा, और आपको मालूम है DIL upon DT is equal to क्या हो जाएगा, डेल्टा IL, ठीक है, DIL upon DT को बोलेंगे डेल्टा IL upon डेल्टा T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम चेंज हो रहा है, सपोज 0.5 सेकंड है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल 0.5 सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके, और इसका डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वी आई एन अपॉन डेल्टा आई एल, तो यहाँ पे आपको डेल्टा टी इज इक्वल टू डी इंटू टी मिल गया। ये देखिए, टी वन इज अ डेल्टा टी इज इक्वल टू डी इंटू टी, तो यहाँ पे डी इंटू टी रख दिया, ठीक है, Vn तो है इधर, L इधर आ जाएगा, यानी Vn डिवाइड बाय L आ जाएगा, तो आपका इक्वेशन ये मिल गया आपको, क्या मिल गया देखिए दोस्तों, DIL upon DT is equal to Vn डिवाइड बाय L, तो आपको ये मिल गया DIL upon DT is equal to Vn upon L, ठीक है। अब डेल्टा T DT है वो यहां से देखिए, T1 जो है वो डेल्टा T है, क्योंकि उतना पीरियड चेंज हुआ ना ऑन पीरियड, तो D इंटू T वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख लिया, ये इक्वेशन मिल गया आपको भाई। अब देखिए, हम जो है, हाँ, अब देख लिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू डी टी लिख लिया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन। तो जब स्विच क्लोज होती है तब डेल्टा आई एल कितना मिलता है, क्लोज के वक्त वी इन डिवाइड बाय एल इंटू डी टी, इसको, ठीक है, इसको सामान्य कर दिया, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, राइट, ये देख लीजिए, राइट, आपको ये मिल गया। तो क्लोज कंडीशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, V इन डिवाइड बाय L इनटू DT, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इस कंडीशन में हमें ध्यान देना है दो चीजें, कुछ पैरामीटर्स में आपको समझाऊंगा, वो ध्यान से सुनिएगा, बूस्ट कन्वर्टर के लिए है दो चीजें, इंडक्टर करंट जो है वो कंटिन्यूस रहेगा इस केस के अंदर, ठीक है, और वो हमें पता चलेगा, ये करंट की वैल्यू डिपेंड है आपकी इंडक्टर की साइज के ऊपर, ठीक है, पहला केस। दूसरा क्या हम देखेंगे, इंडक्टर करंट जो है, यस, देखिए, इंडक्टर करंट जो है वो कंटिन्यूस मिलेगा या डिसकंटिन्यूस, वो डिपेंड करेगा एल की साइज ऊपर,
दूसरा पॉइंट है इंडक्टर करंट जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है, वो पॉजिटिव स्लोप से इंक्रीज करेगा फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ओके, आईएल मिनिमम टू आईएल मैक्सिमम, ये आपको मिलेगा, ओके, और फिर से वो डिक्रीज हो जाएगा ओवर द वन कंप्लीट साइकिल, राइट। अब कैसे डिक्रीज होता है वो मैं बताता हूं। चलो अब यहां पे देख लीजिए, ये आपका टी ऑफ पीरियड है, यानी स्विच ओपन कंडीशन में हो गई। एक पल्स में ऑन प्लस ऑफ पीरियड होते हैं। ऑन पीरियड में यहाँ पे वीएल डेवलप हो चुका है, इसका जो वोल्टेज था इसको मिल गया है, ठीक है। अब बात करेंगे ये ऑफ कंडीशन, ओपन हो गया, अब फिर से क्या होगा, देखिए जो चार्ज हो गया है इंडक्टर, ठीक है, तो अब क्या होगा, इंडक्टर के पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रह जाएगा क्योंकि ये प्लस हो चुका है ये माइनस हो चुका है, ठीक है, ये ओपन करोगे तब। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, करंट यहाँ से फ्लो होगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस है, करंट को इसे यहाँ पे ले जाया जाएगा, यानी कैपेसिटर चार्ज होगा पॉजिटिव वोल्टेज से और करंट यहाँ से वापिस आ जाएगा, राइट। तो उस केस में जो इंडक्टर की एनर्जी जो स्टोर करी थी वो सारी की सारी कैपेसिटर में ड्रॉप हो गई, ठीक है, यानी कैपेसिटर में स्टोर हो गई, राइट, समझ रहे हैं आप, ओके। उसके बाद क्या हुआ ये वोल्टेज भी यहां मिल रहे, अब देखिए दो वोल्टेज मिले कैपेसिटर को, एक वीएल मिला और एक वी इन मिला, ठीक है, तो कैपेसिटर के पास वी इन प्लस वीएल है, तो वीएल इज अ एक्सेसिव चार्ज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, सो कैपेसिटर हैज वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी इज ग्रेटर देन वी इन, वीसी इज इक्वल टू वी ओ, राइट। अब केवीएल अप्लाई करते हैं, इसमें क्या मिलेगा, वी इन इज इक्वल टू वी एल प्लस वी जीरो, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये मिलेगा, वी इन सप्लाई किया है इज इक्वल टू वी एल प्लस वी जीरो, वी जीरो को आप वीसी लिख सकते हो, वी एल का मतलब क्या है, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, राइट। और यहां पे उसके वी इन माइनस वी ओ होगा, उतना वोल्टेज इंडक्टर के पास रहेगा। देखिए हम यहां से भी पता कर सकते हैं भाई, इंडक्टर का वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज या वीसी, ये दोनों सेम है, ठीक है, वी इन माइनस वी सी इज इक्वल टू वी एल, या फिर वी इन माइनस वी जीरो इज इक्वल टू वी एल, सिंपल फंडा कर दिया, ठीक है। अब देखिए डी आई एल अपॉन डी टी, तो वी इन माइनस वी एल डिवाइड बाई एल था, ठीक है, ये वाला। अब डी आई एल अपॉन डी टी है तो उसका इक्वेशन क्या था हमारे पास, डी टी कितना है, डी टी यहाँ पे ऑफ पीरियड कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, राइट, ये है, और यहाँ पे टी ऑफ इज इक्वल टू टी ऑन माइनस टी, ये हमें मिल गया दोस्तों, ये इक्वेशन देख लीजिए, टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब देखिए ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा टी ऑफ पीरियड मिलेगा, डेल्टा टी का मतलब है ऑफ पीरियड, तो टी माइनस टी ऑन, ठीक है। अब देखिए टी माइनस टी ऑन है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये चीज है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए टी से सबको डिवाइड कर देते हैं, टी से सबको डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगा वन इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाय टी, ठीक है, प्लस टी ऑफ डिवाइड बाय टी, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है इक्वेशन, इसका हम थोड़ा एलाबोरेशन करें तो वन माइनस टी ऑन डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी, सो इट इज डी इज इक्वल टू टी ऑफ डिवाइड बाय टी, राइट। और एक बार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट वन माइनस डी ब्रैकेट ओवर इज ये टी जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाया गया तो इज इक्वल टू टी ऑफ, ये इक्वेशन आपको मिला।
तो यहां पे डेल्टा टी इज अ टी ऑफ, यहां पे आप देख सकते हैं डेल्टा टी जो है वो टी ऑफ है, तो यहां पे उसकी जगह पे ये इक्वेशन रख देते हैं। मिल गया इक्वेशन राइट, देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे अभी अभी समझाया वही चीज है। तो ये ठीक है, अब करंट क्या है, डेल्टा आई एल क्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट, वी इन माइनस वी जीरो डिवाइड बाय एल, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और यहाँ डेल्टा आई एल क्लोज मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है कि हमें टोटल करंट कितना है, नेट नेट करंट थ्रू द इंडक्टर इज जीरो, ठीक है, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, मतलब नेट करंट थ्रू इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अब हम साबित करते हैं डेल्टा क्लोज्ड और डेल्टा आई एल ओपन को इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, यहाँ पे दोनों के इक्वेशन रख देते हैं जो हमने डिराइव किए है, वो डेल्टा आई एल ओपन का इक्वेशन क्या था, लेट मी टेल यू, ये क्लोज वाला इक्वेशन है। ठीक है, और ओपन, तो हमने ये इक्वेशन रख दिया। अब इसका डेरिवेशन आप दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, V0 यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस D, राइट। अब देखिए क्या होता है कि V इनको यहां ले लेते हैं जो सप्लाई वोल्टेज, तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय 1 माइनस डी। ठीक है, अब हम देखिए ड्यूटी साइकिल को, यहाँ पे सपोज वी इनपुट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इनपुट में दे दिए, ड्यूटी साइकिल को हम 0.5 लेते हैं, ठीक है, 50%, 50% ऑन पीरियड 50% ऑफ पीरियड, तो ड्यूटी साइकिल को वेरी करोगे उस हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा। ड्यूटी साइकिल 0.5 लेते हो तो 1/0.5 यानी 2 यानी आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट मिल जाएंगे, इनपुट 100 लिया आउटपुट 200 वोल्टेज, अगर 50% भी ड्यूटी साइकिल लिया तो। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल कभी भी एक नहीं होता, ड्यूटी साइकिल हमेशा 0 टू 1 के बीच में होता है, ड्यूटी साइकिल कभी भी एक नहीं होगा, नेवर 1 और एक से ज्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा पल्स में ऑन प्लस ऑफ पीरियड होता ही है, चाहे ऑफ पीरियड बहुत ही कम क्यों ना हो लेकिन होता तो है। ठीक है, इसकी वजह से ड्यूटी साइकिल विल ऑलवेज लेस देन 1, तो ड्यूटी साइकिल को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन अबाउट द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बूस्ट कन्वर्टर आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, बूस्ट कन्वर्टर, उसके इक्वेशन डिराइव किए, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे इंडक्टर की वैल्यू हमें हेल्प करती है कि हमारा करंट जो है कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, वो डिफाइन करने के लिए। थैंक यू गाइस।